एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, थैंक यू सो मच। आज हमारे इस चैनल के 1 लाख सब्सक्राइबर्स हमने कंप्लीट कर लिए। सो यस, ऑफ कोर्स इसमें जितना मेरा हार्ड वर्क है उतना ही आप लोगों का यहाँ पर हिस्सा है इस जो सफलता हम लोगों ने यहाँ पर पाई हुई है। सो आई होप कि 1 लाख के मेरे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स यहाँ पर बढ़े। और सबसे मतलब मुझे ये लगता है इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ने से भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे चैनल के थ्रू में यहाँ पर जॉब मिले। सो यस, आई होप जिन लोगों को जॉब की ज़रूरत है उन लोगों को जॉब जल्द से जल्द मिले। मैं ट्राई करती हूँ, मैं अपने जो जॉब्स है वो आप लोगों के साथ में और डिटेल में शेयर करने की, या जेन्युइन से जॉब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने की, ताकि बहुत सारे लोग जो यहाँ पर अप्लाई भी करें और उन लोगों को यहाँ का रिस्पॉन्स भी जो है वो तुरंत आ जाए। ठीक है, तो आज ऐसा ही एक जॉब प्रोफाइल मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, जहाँ पर आप लोगों को कंपनी की तरफ से लैपटॉप, इंश्योरेंस और जो कंपनी की तरफ से आप लोगों को वर्क फ्रॉम होम के लिए चीज़ें चाहिए होती है वो सारी कंपनी की तरफ से आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाले। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आप लोगों को कोई चैट कॉल या सेल नहीं करना है। टारगेट बेस्ड ये जॉब नहीं है। ये जो जॉब रहेगा वो यहाँ पर आप लोगों को एक कॉल मॉनिटरिंग का जो काम होता है वो यहाँ पर करना है। सो जिस कंपनी के बारे में मैं बात कर रही हूँ वहाँ पर, जिसका नाम है डिट्टो इंश्योरेंस। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हो तो डिट्टो इंश्योरेंस क्या करता है, तो यहाँ पर इंश्योरेंस से रिलेटेड ये कंपनी है जिसकी फंडिंग जो है वो ज़ीरोधा की तरफ से यहाँ पर आई हुई। आज मैंने यहाँ पर मेरा फर्स्ट राउंड जो यहाँ पर कंप्लीट किया है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि मैम ऑडियो CV किस तरह से बनाना है। सो आज इस वीडियो में मैंने ऑडियो CV बनाया जो कि सिलेक्ट भी हो गया। सो मेक श्योर करना कि आप वीडियो एंड तक देखें ताकि आप लोगों को पता चले कि मैंने ऑडियो CV किस तरह से बनाया, ताकि आप भी उसी तरह से बनाने की कोशिश जरूर करें। ठीक है, तो कौन सा प्रोफाइल है, किस तरह से अप्लाई करना है और जो सैलरी का रेंज आप लोगों को कितना मिलने वाला है, ये सारी चीज़ें जो है मैं आप लोगों को मेरे लैपटॉप पर जाकर दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को और डिटेल में यहाँ पर समझ में आए। चलिए फिर शुरू करते हैं। सो अभी जैसे आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो, इसकी जो ऑफिशियल लिंक है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ठीक है, ये डिटो का करियर का होम पेज है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि वी आर हायरिंग, जो करंट ओपनिंग पोजीशन है ना वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। अब जैसे कि ब्रांड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए है, डिजिटल मार्केटिंग के लिए है, फिनांस से रिलेटेड है, या CEO से रिलेटेड है, या CEO राइटर से रिलेटेड है। अब जब भी मैं आप लोगों को डिटो के साथ में जॉब शेयर करती हूँ तो वो नॉर्मली इंश्योरेंस एडवाइजर वाला ही जॉब प्रोफाइल होता है, जहाँ पर आप लोगों को क्या करता है तो एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर बनकर आप लोगों को एडवाइस देनी होती है, जो कि व्हाट्सएप के थ्रू में, चैट के थ्रू में, कॉल के थ्रू में यहाँ पर काम होता है। लेकिन जो आज जॉब प्रोफाइल मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, दैट इज द कस्टमर सर्विस क्वालिटी एग्जीक्यूटिव का है। देखो यहाँ पर रिमोट लिखा हुआ है, ये कंप्लीटली वर्क फ्रॉम होम है, फुल टाइम का ये जॉब प्रोफाइल है और इसके लिए आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और इंडिया में कहीं भी किसी भी लोकेशन से आप बिलोंग करते हो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। सो अभी देखो, डिटो के बारे में नहीं जानते हो तो प्लीज़ एक बार जाकर जरूर देख लेना कि डिटो कौन सी कंपनी है, किस तरह से जेन्युइन ऐसी कंपनी। डिटो इंश्योरेंस का एक मैंने पूरा वीडियो जहाँ पर मैंने कंप्लीट टेस्ट और इंटरव्यू का प्रोसेस भी शेयर किया, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर डिटो के बारे में नहीं जानते तो एक बार ज़रूर पढ़ लेना। बात करते हैं जॉब में एक्चुअल में आपके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होने वाले। तो देखो आप लोगों को क्या करना है, तो यू हैव टू कॉल मॉनिटरिंग एंड प्रोवाइड द एक्शनेबल इनसाइट टू इम्प्रूव द करंट प्रोसेस, असिस्ट इन डेवलपिंग एंड क्रिएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द क्वालिटी प्रोसेस, गैदर इन्फॉर्मेशन टू हेल्प इम्प्रूव एडवाइजर परफॉर्मेंस, प्रोवाइड फीडबैक टू द क्वालिटी एडवाइजर रिकमेंडेशन एंड डेवलप कस्टमर सपोर्ट क्वालिटी। सो इनडायरेक्टली आप लोगों को कस्टमर के साथ में तो नहीं जुड़ना है, बट हाँ जो कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड काम करें उन लोगों को कॉल मॉनिटरिंग का काम करना है, उनको फीडबैक प्रोवाइड करना है और किस तरह से ये सर्विस बेटर हो सकती है इसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर बताना है। अब इसके लिए स्किल्स क्या चाहिए, तो देखो यहाँ पर आप लोगों के पास में 0 to 3 years का एक्सपीरियंस, मतलब एज अ फ्रेशर भी जो है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, एक्सलेंट कस्टमर सर्विस स्किल चाहिए, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ओनरशिप एंड लीडरशिप क्वालिटी चाहिए, एक्सलेंट लिसनिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स चाहिए, एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड कोलाबरेट इफेक्टिवली। अब देखो यहाँ पर इन लोगों का अगर मैं ये करूँ कि आप लोगों को मतलब यहाँ पर पर्क्स एंड बेनिफिट्स क्या मिलने वाला, तो एक तो कम्प्लीटली रिमोट वर्क है, कॉम्प्रेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा फॉर यू एंड योर फैमिली, एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि सिटी से देखो आप 4.5 मतलब 4.5 लाख के आसपास आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, तो ऑन एन एवरेज आप लोगों को 30 to 40 thousand आराम से यहाँ पर मिल जाएगा। अब इन लोगों का जो प्रोसेस होता है यहाँ पर क्या करना है, तो जिस तरह से पहले अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे तो आप अप्लाई करते हो और उसके बाद में ये लोग आप लोगों को ईमेल के थ्रू में आप लोगों को एक लिंक प्रोवाइड करेंगे जिसके थ्रू में आप लोगों को आपका एक शॉर्ट CV वीडियो बनाना है और वो उनको सेंड करना है। उसके बाद में आप लोगों को टेस्ट का लिंक आएगा, फिर आपको टेस्ट देना है और फिर उसके बाद में इन लोगों के 2 to 3 राउंड होते हैं यहाँ पर इंटरव्यू के लिए। सो यस, ऑफकोर्स प्रोसेस लंबा होता है, हर एक के लिए यहाँ पर टाइम भी लेता है, बट देखो कोई भी जॉब इजी गोइंग नहीं मिलता है। 1 या 2 राउंड में खत्म होने वाले जॉब आप लोगों को बहुत कम मिलेंगे। यहाँ पर इन लोगों का प्रोसेस भी जैसे जैसे ज़्यादा है उसी तरह से
आप लोगों का सैलरी का रेंज भी बहुत अच्छे से मिलता है, एक्सपीरियंस अच्छा होता है, और यहाँ से अगर आप काम करके निकलते हो तो आप लोगों के स्किल्स में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, अभी अप्लाई कैसे करना है, तो आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे, राइट। जैसे ही क्लिक करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का मेक श्योर कि रिज्यूम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। सो आप यहाँ पर अप्लाई करने के लिए रिज्यूम यहाँ पर मेक श्योर करना कि कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड रिज्यूम यहाँ पर फर्स्टली यहाँ पर ऐड करें। अब यहाँ पर आप लोगों का ये तो सिंपल है, इस फॉर्म में फर्स्ट नेम लिखना है, मिडिल नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, ईमेल डालना है, आपका मोबाइल नंबर डालना है, नंबर ऑफ एक्सपीरियंस आप लोगों का अगर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस में जीरो है तो जीरो डालना, फ्रेशर डालना, वन है तो वन डालना, अगर है तो डालना। ठीक है, नोटिस पीरियड अगर आप इमीडिएटली ज्वाइन कर सकते हो तो वो लिख देना, आपका अगर करंट सिटी से अगर काम कर रहे हो तो लिखना करंट सिटी से। अब देखो कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर कि इन लोगों के अगर आप आंसर्स अच्छे से देते हो ना तो डेफिनेटली रिवर्ट बैक भी आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि टेल अस अबाउट एन इंस्टेंस व्हेन योर रिकमेंडेशंस प्रूव टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस इन द टीम। तो मैंने इसके आंसर्स ऑलरेडी निकाले हुए हैं ताकि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं। तो देखो मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पर आंसर्स लिखे हुए हैं, मैं डायरेक्टली यहाँ पर पेस्ट करती हूँ सो दैट, और अगर आपको चाहिए कि ये क्वेश्चन के आंसर्स मैंने किस तरह से लिखे तो प्लीज़ एक बार मुझे ज़रूर बोलना। मैं ये आंसर जो है यहाँ पर पिन कर देती हूँ मेरे कमेंट में सो दैट आप भी यहाँ पर इस तरह से आंसर्स लिख सकते हो। अब देखो इतना टाइम तो नहीं होगा मुझे यहाँ पर ये पढ़ने के लिए, बट आप इस तरह से आंसर्स लिख सकते हो कि वाइल वॉलंटियरिंग फॉर अ कॉलेज इवेंट प्लानिंग कमिटी आई नोटिस्ड अवर मीटिंग वेयर अनप्रोडक्टिव एंड आई रिकमेंड यूजिंग अ स्ट्रगल्ड एजेंडा टू स्ट्रीमिंग द डिस्कशन एंड सेट। सो आप इस तरह से कुछ आंसर्स यहाँ पर लिख सकते हो, पूरा आंसर्स यहाँ पर देखो यहाँ पर किस तरह से लिखा हुआ है मैंने, और सारे क्वेश्चंस के अभी जैसे सेकंड क्वेश्चन है टेल अस अबाउट एन इंस्टेंस वेयर यू आइडेंटिफाइड अ मिस्टेक्स दैट वेयर ओवरलुक्ड बाय योर टीम। सो मतलब आपने कोई मिस्टेक की और आपकी टीम ने यहाँ पर ओवरलुक किया, तो मैंने यहाँ पर एक डाला कि वाइल वर्किंग ऑन अ कॉलेज प्रेजेंटेशन आई नोटिस दैट सम इन्फॉर्मेशन इन आवर स्लाइड्स वॉज आउटडेटेड विच माई टीम हैड ओवरलुक्ड, आई डबल चेक द सोर्सेस एंड अपडेटेड द स्लाइड with accurate data. This correction helped us deliver more creditable presentation and we received a positive feedback for our through research. So इस तरह का आंसर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। जो थर्ड क्वेश्चन है इन लोगों का यहाँ पर कि if you were communicate both positive and negative feedback to a person, how would you do that? So मैंने इसका आंसर किस तरह से लिखा है, तो I would use the sandwich approach to a balance the feedback. I would begin by acknowledging the person's strength and recent success to set a positive tone. Then I'll discuss areas that need improvement, being specific and objective to ensure clarity while offering the actionable suggestion. I would make it clear that the goal is growth and not criticism. Finally, I would conclude the reframing by the confidence in their abilities and expressing support, emphasizing that I value their contribution and believe in their potential टू एक्सेल। सो इस तरह का मैंने यहाँ पर आंसर दिखाया जहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, आप नेगेटिव किसी को भी डायरेक्टली नहीं बोल सकते, सो नेगेटिव चीज़ें भी पॉजिटिव वैसे किस तरह से बताई जाती है, इस तरह का आंसर यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन आता है कि एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट यू वॉन्ट टू शेयर, सो मैंने इसका आंसर इस तरह से लिखा हुआ था यहाँ पर, ये देखो कि आई एम डेडिकेटेड एंड डिटेल ओरिएंटेड इंडिविजुअल पैशनेट अबाउट लर्निंग एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट, आई थ्राइव इन कोलाबरेटिंग एनवायरमेंट्स एंड बिलीव इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ की टू सक्सेस एज अ फ्रेशर, आई एम ईगर टू कॉन्ट्रीब्यूट माई स्किल इन कस्टमर सपोर्ट एंड ग्रो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो इस तरह का आंसर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब जैसे ही आप लोग ये आंसर खत्म करते हो, आप लोगों को यहाँ पर आई अंडरस्टैंड आई एम नॉट अ रोबोट करना है, फिर आप लोगों का आपका एप्लीकेशन जो यहाँ पर सबमिट करना है। सो उसके बाद में आप लोगों के पास में दो मेल आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहला तो होता है कि थैंक यू फॉर अप्लाइंग, और जो सेकेंड मैसेज होता है वो मेल होता है, कुछ इस तरह से आप लोगों के सामने आता है। ये देखो जैसे कि हाई मनोरमा and congratulations on making it to the next round to the selection process at Ditto. We truly appreciate your interest and enthusiasm for joining our team. To progress further, to bring it one step closer to final round, we'd like to invite you to tell us about something yourself through a short audio resume. So, देखो यहाँ पर audio resume हम लोगों को यहाँ पर prepare करना है। अब please use a Google Chrome to record the audio CV. अब यहाँ पर मैं click कर लेती हूँ। तो देखो अब कल एक क्वेश्चन भी आया था मेरे पास में कि मैम जब आप ये audio resume करते हो तो इन लोगों का कैमरा ऑन होता है। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कस्टमर सर्विस क्वालिटी एग्जीक्यूटिव का ये जॉब रोल है एंड सैलरी एंड डिस्क्लोज यहाँ पर लिखा हुआ है फुल टाइम डिट्टो, उसके बारे में पढ़ना है। अब सम कंप्लीट जो हम लोगों का जो है ना जॉब का प्रोफाइल वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर आप लोगों का अगर CV यहाँ पर सिलेक्ट हो जाता है तो इंटरव्यू के राउंड्स किस तरह से होते हैं, तो HR का इंट्रोडक्टरी कॉल आपको आ जाएगा, फिर टास्क 1 होगा, फिर टास्क 2 होगा,
एंड देन फाइनल मैनेजरल राउंड यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया इतना कि हम लोगों के यहाँ पर चार राउंड हो गए, एक कॉल होगा, फिर टास्क वन दिया जाएगा, फिर टास्क टू दिया जाएगा और फाइनल मैनेजर के साथ में ये राउंड होगा। तो सबसे पहले हम रिज्यूम राउंड यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, इसके लिए हम स्टार्ट अप्लाइंग करेंगे। अब देखो ऑडियो यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर शुरू करना है, सो मेक श्योर कि आप लोगों को 1 से 29 मिनट का आप लोगों को ऑडियो जो है यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। सो हम क्रिएट ऑडियो सीवी करेंगे। ओके, सो क्रिएट ऑडियो सीवी में देखो, व्हाट वाज अ पर्सनल चैलेंज यू फेस्ड इन योर लाइफ एंड हाउ डिड यू ओवरकम इट। सो व्हाट वाज अ पर्सनल चैलेंज यू फेस्ड इन योर लाइफ एंड हाउ वुड यू ओवरकम इट। सो इसका आंसर मुझे 10 सेकंड्स में देना है, तो कुछ मेरा आंसर इस तरह से होगा। यूज अ माइक्रोफोन, अलाउ करेंगे इसको एंड स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ओके, सो आप इसको सुन भी सकते हो अगर आपको चाहिए होता है तो। ठीक है, रिकॉर्ड नेक्स्ट आंसर पर क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन टू आ जाएगा आपके सामने। सो इन अ फ्यू वर्ड्स कुड यू टेल अस व्हाट वुड यू नो अबाउट डिटो, इसीलिए कंपनी के बारे में जरूर जानना चाहिए, राइट। सो आई एम ओके, सो इस तरह से करके हम नेक्स्ट लास्ट वाला आंसर देखेंगे क्या होता है। थर्ड, व्हाट वुड यू से इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी टू हैव एन कस्टमर सर्विस क्वालिटी एग्जीक्यूटिव। सो यस, तो आप यहाँ पर फिर से ये सुन भी सकते हो अगर आपको चाहिए होता है तो, आप ये एडिट भी कर सकते हो और इसके बाद में आप क्या करना है, आप लोगों को सबमिट एप्लीकेशन करना है। कांग्रेस, योर ऑडियो सीवी एप्लीकेशन हैज बीन रिसीव्ड। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों का एक ऑडियो सीवी यहाँ पर देना है। अगर कई कोई बहुत सारे जॉब्स पर आप लोगों को वीडियो सीवी बनाना पड़ता है, तो आपको लगता है कि वीडियो सीवी किस तरह से बना, तो आप जब भी वीडियो सीवी बनाते हो तो मेक श्योर कि आपका कैमरा जो हो वो इधर फ्रंट में हो या बैक में हो, मुझे मतलब वो आपके हिसाब से आप डिसाइड कर लेना। बट जो कंटेंट होना चाहिए वो कुछ इस तरह से होना चाहिए कि आपके सीवी में क्या क्या इंक्लूड, जैसे अभी कस्टमर सर्विस के लिए आ रहा है तो उसमें आप क्या क्या बोल सकते हो। सो जैसे मैंने कुछ लिखा हुआ है तो मैं भी देखती हूँ, आप लोगों को देखकर नहीं बोलना, आपको बिना देखे ये कुछ सब कुछ बोलना है। सो जैसे एक अभी अगर सेम प्रोफाइल के लिए अगर मैं वीडियो सीवी बनाती तो मैं किस तरह से बनाती, तो जस्ट लाइक दिस कि हाय माय नेम इज मनोरमा एंड आई एम एक्साइटेड टू शेयर माय सेल्फ, आई हैव कंप्लीटेड माय एमसीए फ्रॉम द डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी एंड आई एम रिसेंटली पोस्ट ग्रेजुएटेड एंड वेर आई फ्रॉम द डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी आई हैव डेवलप्ड अ कीन इंटरेस्ट इन कस्टमर सपोर्ट एंड सर्विस थ्रू आउट माई स्टडीज आई ओन माय स्किल इन कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क थ्रू वेरियस ग्रुप्स प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप आई एंजॉय प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड पैशनेट अबाउट क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस फॉर कस्टमर्स आई एम ईगर टू स्टार्ट माई करियर इन कस्टमर सपोर्ट वेर आई एम लिवरेज माई स्किल एंड एंथुजियाज्म टू हेल्प कस्टमर एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ योर टीम थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम टू लिसन माई ऑडियो सीवी एंड वीडियो सीवी आई लुक फॉरवर्ड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ वर्किंग टूगेदर थैंक यू। सो आप इस तरह से आपका जो वीडियो सीवी है या ऑडियो सीवी है यहाँ पर बना सकते हो। ये कुछ कंटेंट है जिसमें आप लोगों को क्या करना है, आपका नाम, आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस, कम से कम 60 सेकंड्स में आप इसको वाइंड अप करने की कोशिश करो एंड आपकी जो स्किल्स हैं या आप एक सेंटेंस में बताने की कोशिश करो कि आप किस तरह से मैनेज कर सकते हो। सो इस तरह का आप वीडियो सीवी यहाँ पर बना सकते हो। इसका जो कंटेंट है अगर आपको भी चाहिए तो मुझे ज़रूर लिखना, ताकि मैं सीवी वाले जो आंसर्स है फॉर्म के वाले वो भी आंसर्स और ये जो वीडियो सीवी का कंटेंट है वो भी मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर शेयर कर सकूँ। यस, तो चलिए अगर मुझे इसका जो सेकंड मेल आता है और इसका कुछ एचआर का कॉल आता है तो वो मैं आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करूंगी। दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो, आई विल गेट इन टच विद द नेक्स्ट वीडियो। बाय।